हेलो वेलकम बैक टू मेरा टेम्पलेट। आप सभी का स्वागत है मेरा टेम्पलेट में। दोस्तों आज मैं आप सभी को बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहा हूँ ना, क्योंकि आज मैं खुद बहुत ज़्यादा मोटिवेट हूँ और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी स्टोरी आप लोगों को एक बताने वाला हूँ, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे किसी भी वर्क के लिए। ठीक है, जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देखा कि वाई पुअर पीपल ऑलवेज सेव मनी एंड वाई रिच पीपल ऑलवेज इन्वेस्ट मनी, क्यों आखिर गरीब गरीब ही रह जाता है और अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, क्यों? रीजन इसके पीछे बहुत अच्छा रीजन है, जेन्युइन प्रॉपर रीजन दूंगा, जिसको आपको भी सुनने के बाद आप मोटिवेट भी हो जाओगे और आपको बिल्कुल लगेगा कि यार दैट इज ट्रू। होता क्या ना दोस्तों, हमेशा देखते हैं हम लोग जो जितने भी रिच रहते हैं, जितने भी अमीर लोग रहते हैं, वो लोग हमेशा अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं। इवन आजकल जो भी अभी जो ग्रोअप कर रहे हैं, जो स्टार्टअप हैं, इनका जो स्टार्टर है, जो बिगनर है, वो भी वही कर रहे हैं सेम। वो लोग भी उनका ही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, वो लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को ना एक्चुअली मैं डायरेक्टली ऐसे बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, मैं स्टोरी के थ्रू बताता हूँ तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक्चुअली एक गाँव में ना दो भाई थे, ठीक है, दोनों भाई बहुत ही होनहार थे गाँव में। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये थी कि गाँव से लगभग कुछ 500 मीटर पर एक नदी था। अब वहाँ से बहुत लोग को वहाँ पे मतलब जाने में परेशानी होती थी, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे। तो ये दोनों भाई क्या करते थे, जाते थे, उनके लिए पानी लेकर आते थे और उनसे सब एक छोटा सा अमाउंट लेते थे। ठीक है, अमाउंट हो गया या कुछ भी, पहले ज़माने से आटा वगैरह चावल वो ले लेते थे। ठीक है, तो ये हमेशा डेली यही काम करते थे, मतलब जाते थे गाँव से 500 मीटर दूर पे जाते थे, वो पानी लेकर आते थे, जिनको नीड रहती थी उनको देते थे एंड उनसे सम अमाउंट, छोटा सा अमाउंट या कह लीजिए अनाज वगैरह ले लेते थे। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो दोनों भाई थे उसमें से एक भाई ने क्या किया कि वो समझ रहा था उस प्रॉब्लम को कि ये प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व नहीं होने वाली है। तो दोनों भाई में से थोड़ी थिंकिंग दोनों की अलग अलग थी। एक भाई तो कंटिन्यू वही करता रहा जो वो लाके डेली जाके पानी देता था जिनको नीड होती थी, और दूसरा वाले भाई ने क्या किया कि वो जो पैसा था उसे वो इन्वेस्ट करने लगा, धीरे 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 करके जमा करने लगा। और उसने क्या किया कि 500 मीटर की पाइप, लंबी जो पाइप होती है ना, वो मतलब कनेक्ट करना मतलब स्टार्ट किया। मतलब हालांकि इतना ज़्यादा अमाउंट इतना जल्दी मिलेगा नहीं, तो उसको लगभग 3 से 4 साल लग गए पूरा गांव में हर जगह पाइप डालने के लिए। और उस गांव से पाइप सीधा उसने कनेक्ट कर दिया उस नदी को जहां से वो पानी लेकर आता था। ठीक है, तो ये लगभग उसको करने में 6 से 7 साल, पहले 5 साल में थोड़ा बहुत उसने किया, उसके बाद फिर और 2-3 साल में, और मतलब लगभग कनेक्ट कर दिया पूरे गाँव को उसने पाइप कनेक्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन जब वो कनेक्ट कर रहा था तभी उसके एक भाई ने बोला कि अरे तू क्या कर रहा है, पूरा पैसा क्यों वेस्ट कर रहा है, क्यों पाइप डाल रहा है तू, ये हम खुद भी कर सकते हैं, मेहनत करेंगे हमें वो डेफिनेटली मिलने ही वाला है, हमारे पास हाथ पैर हम ले सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन ये बात वो नहीं जानता था जो जिसने पाइप लगाया, ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो उतनी ताकत नहीं रहेगी हमारे पास कि हम ये वर्क कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो 7 साल में उसने कंटिन्यू पाइप तो हर जगह डाल दिया, और दूसरे भाई ने 7 साल में लगभग छोटा कहीं ना कहीं कुछ ज़मीन ले लिया कि इसे मतलब कुछ अच्छा खासा उसने भी सेविंग कर लिया था। ठीक है, लेकिन इस भाई ने पूरा इन्वेस्ट कर दिया था पाइप में, पूरा जो भी उस पास पैसा था उसने पूरा इन्वेस्ट कर दिया था पाइप में पूरे गांव में पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो जब उनका एक एज अभी धीरे धीरे भी हो ही रहा था, लगभग उनका एज एक उस एज पे ये लोग चले गए कि मतलब उतनी ताकत नहीं कि वो उतना पानी कंटिन्यूसली ला के प्रोवाइड कर सके, तो इसने जो इसका जो पाइप वाला सिस्टम था इसने स्टार्ट किया। एंड अब क्या हो गया कि जो गाँव वाले लोग थे सबके पास नलका पहुँच गया, सब वहीं से भर रहे हैं, दूसरे वाले का इनकम स्टॉप हो गया क्योंकि इसने सेव करके जो ज़मीन वगैरह खरीदी थी उससे अपना अनाज वगैरह बो के थोड़ा बहुत कर पा रहा था, लेकिन जो दूसरा वाला था इसने पूरा इन्वेस्ट कर दिया था पाइप वगैरह में, सबके पास नल पहुंच गया, इसके पास डबल इनकम हो गई और ये बैठे बैठे ले रहा था। ठीक है, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए इसी चीज़ से कि एग्जैक्टली शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई डोंट नो कि मैंने आपको अच्छे से समझाया नहीं, बट फिर भी शायद आप लोग समझ गए होंगे कि इन्वेस्ट करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग आज इन्वेस्ट कर रहे हो अपने आप, वो इन्वेस्टमेंट कभी भी आपके फ्यूचर में काम आएगा। देखिए, किसी मतलब जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनके वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, किसी ने खूब ही कहा है कि अगर आप किसी पहाड़ के सामने खड़े हो ना तो अपने बाल को तोड़ के उस पहाड़ पे फेंको और खींचो, आ गया तो पहाड़, गया तो बाल ही है ना, गया तो क्या, बाल गया आपका। अगर आपके लाइफ में से 5,000, 10,000, 15,000, 1 लाख तक भी चला जाता है तो आपकी लाइफ स्टॉप हो जाएगी, नहीं होगी, और जिसको दिया उसकी भी लाइफ बहुत आगे नहीं बढ़ जाएगी। ठीक है, डेफिनेटली अगर आप लोग कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो थोड़ा सोच समझ के करो, ना कि पूरा ही आप कुछ भी कर दो। कुछ पीपल्स ऐसे भी होते हैं जो मोटिवेट होकर सम अमाउंट इतना ज़्यादा कुछ कर देते हैं कि उन्हें मतलब, पहली बात तो आप कभी इन्वेस्ट कर रहे हो तो नॉलेज लो एंड जहाँ आपको इन्वेस्ट करना है एग्जैक्टली आप वहाँ पे इन्वेस्ट करो और डेफिनेटली आपको अर्निंग आएगी, लेकिन सोच समझ के थोड़ा सा लॉजिक लगा के करो। मेरा जब भी कोई मैं कहीं भी इन्वेस्ट करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कि मैंने लाइफ में कभी रिस्क नहीं लिया, मैंने बहुत सारे पैसे मेरे खुद से भी मेरे डूबे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है,
तो लेकिन मैंने जहाँ इन्वेस्ट किया वहाँ से रिटर्न भी लिया है। मैंने बहुत सारे जहाँ अभी तो फिलहाल जब भी मैं कुछ इन्वेस्ट करता हूँ तो सोच समझ के इन्वेस्ट करता हूँ, कहाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो इन्वेस्टमेंट मुझे वापस आएगा या नहीं आएगा। तो आप लोग भी जब भी इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली सोच के करो, इंपॉर्टेंट है। शायद आप लोग मोटिवेट हो गए होंगे, अगर फिर भी अगर आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा यू नो क्वेश्चन वगैरह है या फिर कहीं आप एग्जैक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हो, मेरी पर्सनल अगर आपको सजेशन चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि वीडियो हमेशा मैं टेक से रिलेटेड लाता हूँ, एप्लीकेशन से रिलेटेड लाता हूँ, लेकिन मैं सोचा कि आप लोग मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे मैंने कल कल मेरी कम्युनिटी मैंने शेयर किया था। तो कोई बात नहीं, होता है, डजेंट मैटर, मेरे कल से कंटिन्यूसली टेक वीडियोज़ आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।